गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी मोनी जी, आपकी हेल्थ कैसी है? यस सर, अभी ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो काम स्टार्ट करिए फिर। यस जी लक्ष्मण जी, क्या काम हो रहा है भाई? सर, अभी थोड़ा प्रीवियस से ही कर रही हूँ सर। छूट गई थी क्लास मेरी। ठीक है, प्रीवियस को कंप्लीट करिए पर, है ना? देखिए जितना भी टाइम लग जाए, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखिए। कहने का सिंपल सा मतलब यही है, जब आप जावा कि किसी भी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि कोई भी लैंग्वेज आप खुद को अच्छा, है ना? फ्यूचर में कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा सब कुछ। जी संतोष जी, कैसी चल रही है स्टडी? जी गुड इवनिंग। और स्टडी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है सर। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको अपडेट करना बता रहा था। हम लोगों ने यहाँ से डेटा रजिस्टर किया था इस तरीके से, और डेटा लाइव हमारा यहाँ पर शो हो जाता है जैसे हम इनपुट करते हैं। सिखाने को तो मैं काफ़ी कुछ सिखा दूँ, लेकिन मुझे वैसे स्टूडेंट मिल नहीं पा रहे हैं जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, मुझे वैसे स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे, एक ही दो लोग मिलते हैं खाली पढ़ने वाले। आप मुझे 1 रुपये मत दो, वैसे भी ये क्लास फ्री ही चल रही है, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो ढंग से, है ना? अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए आप। ठीक है, एक भी प्रोजेक्ट कहीं पर मैच कर जाए, जितने मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनवाए हैं यूट्यूब पे पूरे ढूंढ लीजिए। भले ही मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ, ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं कराएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इतनी डीपली कोई नहीं पढ़ाता है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो मुझे वैसे स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे हैं पढ़ने वाले। कोई आता है, एक दिन आता है, 2 दिन आता है, तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? इससे अच्छा है कि पढ़ो ही मत, और पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू कर लो। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस 2-3 महीने कोडिंग करके बहुत बड़े महारथी बन जाएंगे। 2-3 महीने में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? 1 से 1.5 साल कंटिन्यू कोडिंग करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रोजेक्ट वगैरह पे कैसे काम करना है, तब अपने लॉजिक से आप काम करना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोई 2-4 महीने का खेल नहीं है, 1.5 साल कम से कम कोडिंग में एक्सपेंड करोगे, वो भी कंटिन्यू, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रोजेक्ट वगैरह पे कैसे काम करना चाहिए हमें। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट आप हैंडल कर लेंगे। ठीक है, फोकस करिए जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो लाइब्रेरीज आजकल ट्रेंडिंग में है, जैसे नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, नेक्स्ट जेएस, व्यू जेएस, है ना, इनके हेल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं आजकल इंडस्ट्री वगैरह में, इन सब चीज़ों का ज़्यादा डिमांड है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लो, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है किसी भी लैंग्वेज में।
ठीक है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ रखी है तो आप जो है रिएक्ट जेएस पढ़िए, फ्रंट एंड डेवलपर अगर बनना चाहते हैं तो। अगर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनना चाहते हैं तो रिएक्ट नोड एक्सप्रेस नेक्स्ट जेएस सब पढ़िए, ठीक है, अच्छी जॉब मिलेगी आप लोगों को। उसके बाद पाइथन स्टार्ट करिए। तो जो सिस्टम है तरीके, यानी कि जो सिंटेक्स है पढ़ने का, उसी सिंटेक्स को फॉलो करके पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, हम यहाँ पर काम कर रहे थे, मैं यहाँ पर डेटा इंसर्ट करने जा रहा था। देखिए क्लास के टाइम भी लोग मैसेज कर रहे हैं, बताइए अक्कल नहीं है कि क्लास चल रही है और मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं सब, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं सबके। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। नोटिस करिए, डेटा रजिस्टर हुआ और लाइव यहाँ पर दिखा। इसको हम एडिट करना सीख रहे थे तो मैं आपको एक तरीका ये बता रहा था एडिट करने का। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जस्ट और सेव पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा सेव हो गया, यानी कि एडिट हो चुका है। अब हम रिलोड करेंगे, नोटिस करिए डेटा हमारा सेव हो चुका है, परफेक्ट। तो ये तरीका था पहला, इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे एडिट करना आपको तब सही रहेगा जब आपके पास सिर्फ दो ही फील्ड हो, जैसे कि सिर्फ किसी भी तरह का वो फील्ड हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, यानी कि सिर्फ दो फील्ड हो तब ऐसे आप करिए। अगर आपके पास दो से ज़्यादा फील्ड हैं तो एडिट पे क्लिक करने के बाद, यानी कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद, आपको जो डेटा है ये निकालना है और इसमें भेजना है फॉर्म के अंदर, और इस फॉर्म के हेल्प से आपको अपडेट करवाना है, ठीक है। डिलीट की कोडिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। कुछ नए स्टूडेंट भी हमें दिख रहे हैं क्लास के अंदर। अगर आपको किसी भी तरह का आइडिया चाहिए, गाइड चाहिए, बिल्कुल आप हमें मैसेज करिए, मैं आपको गाइड करूँगा। मेरे साथ 4 महीने कोडिंग करो, 4 महीने मेरे साथ कोडिंग करो, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना, मेरे साथ 4 महीने कोडिंग करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ लीजिए, ठीक है ना, कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने बता दूंगा मैं, लेकिन जितना मैं काम दूं, जितना मैं आपको पढ़ाऊं, उतना आपको कंप्लीटली ईमानदारी से करना होगा, है ना, तब आप सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर काम कर रहे थे हम लोग, तो एडिट पे क्लिक करते ही हमने एक तो ये तरीका देख लिया था अपडेट करने का, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नोटिस करिए दो से ज़्यादा फील्ड हैं तो हम ऐसे एडिट नहीं करेंगे। ये तो बस मैंने एक तरीका आपको बताया कि यहाँ पर भी अपडेट किया जा सकता है डेटा। तो एडिट पे क्लिक करते ही सबसे पहले ये जो डेटा है इसको हमें इस फॉर्म के अंदर डालना है। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर कोड है, उस कोड को हमें रिमूव भी करना होगा, तो मैं ये कोड रिमूव कर देता हूँ। नोटिस करिए ये कोड है, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। और एडिट पे क्लिक करने के बाद, ये सेव पे क्लिक करने के बाद का कोडिंग है तो ये हमें नहीं चाहिए। और ये बटन भी हमने, यानी कि नोटिस करिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, ये देखिए अभी एडिट का बटन दिख रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक कर, तो शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए है ना, तो ये आइकन चेंज हुआ, तो ये जो आइकन चेंज हुआ है वो इसके वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये कोड हमें नहीं चाहिए अभी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोड है ये हमें नहीं चाहिए, तो मैंने हटा दिया, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। और ये क्या है, तो आप लोग इस कोड को कमेंट करके रखिएगा, यानी कि जब आप काम करेंगे तो आप कमेंट करके रखिएगा, इस कोड को आपके काम में आ सकता है फ्यूचर में, कभी भी देखना होगा तो देख लेना। ये बेटियन टीडी, यानी कि लास्ट वाले को हमने सेलेक्ट किया था, इसको हटा देते हैं, इसका भी कोई भी काम नहीं है। ऑल टीडी है ये, इसके लिए हम लूप चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको किया था तो इसको भी हटा देते हैं। मैं आपको बड़ा ही सिंपल तरीका बता देता हूँ इस फॉर्म में डेटा इंसर्ट करने का, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने रिलोड कर लिया, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही इस फॉर्म के अंदर डेटा कैसे जाएगा, तो ये इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है। नोटिस करिए 1, 2, 3, 4 टेक्स्ट एरिया छोड़ दीजिए अभी, देखिए ये आपका पहले इनपुट फील्ड का यानी कि नेम है, ये ईमेल है दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा पासवर्ड है, और चौथा आपका फादर नेम है, ठीक है। तो ये लूप ऑलरेडी इसके लिए चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक लूप चल रहा है, यानी कि इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए लूप चल रहा है।
तो यहाँ पर हम लेंथ माइनस टू करेंगे, हमें टेक्स्ट एरिया के लिए लूप नहीं चलाना है, ठीक है, यानी कि ये वाला डेटा हमें नहीं चाहिए। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर कंसोल करके दिखाऊं, नोटिस करें मैंने कंसोल और डॉट लॉग कर इसके तरीके से, और ऑल्ट एडी आई डॉट इनर एचटीएमएल, इसका इनर एचटीएमएल प्रिंट करता हूँ। तो अभी क्या होगा, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो एड्रेस है इसको छोड़ करके बाकी ये चारों डेटा प्रिंट होगा कंसोल के अंदर। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, मैं कंसोल में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया एडिट पे, कोई इशू है क्या? ऑल एडिट बीटीएन क्वेरी चल रहा है, ठीक है, रिलोड मैंने कर लिया इस तरीके से, हाँ ठीक है। नोटिस करिए शायद मैंने रिलोड नहीं किया था इसके लिए। तो ये देखिए नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया और एड्रेस आ, ये फादर नेम होगा सॉरी। बस इसको आपको यहाँ पर डालना है। तो ऑलरेडी आपके पास ऑल इनपुट के नाम से, यानी कि ऑल इनपुट के नाम से एक वेरिएबल है ऊपर की तरफ, तो ऑल इनपुट को ऐसे एक्सेस करिएगा और यहाँ पर आई को डिफाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक है, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर पास कर देना है, डॉट वैल्यू रीड कर लेना है, यानी कि डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू रीड करेंगे और इसमें जो इनर एचटीएमएल से डेटा निकल के जाएगा वो इनपुट फील्ड की वैल्यू हमने बना दी, यानी कि यहाँ पर जो डेटा निकल रहा है, सपोज करो पहली बार नेम आया जस्ट, तो ये जो पहले वाला इनपुट फील्ड है इसमें जस्ट चला जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर दूसरी बार लूप जब लूप चलेगा तो इसमें ईमेल चला जाएगा, तीसरी बार जब लूप चलेगा तो ये पासवर्ड यहाँ पर चला जाएगा, और चौथी बार जब लूप चलेगा तो ये फादर नेम इसमें चला जाएगा। टेक्स्ट एरिया कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिलोड कर लिया, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नोटिस करिए नेम यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो हम देख लेते हैं कि लूप हमारा कहाँ से चल रहा है। ऑल इनपुट आई, आई का वैल्यू वन है, ठीक है, वन से लूप चलना चाहिए, जाना चाहिए उसके अंदर। ऑल इनपुट हमारा ये वाला वेरिएबल है, ठीक है ना, इसके अंदर सारा इनपुट फील्ड है। एक बार हम कंसोल और डॉट लॉग जरूर करेंगे इस चीज को, इसको हम जरूर कंसोल करेंगे यहाँ पर, ताकि हमें पता चले इसके अंदर क्या आ रहा है। अब देखिए बीच में अगर आप क्लास ले रहे होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए शुरुआत से पढ़ना जरूरी है। अगर आप बीच में आ रहे हो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ रहे हो तो फिर क्या समझ में आएगा आपको, इसीलिए जो भी लाइव लेक्चर पढ़ाए गए वो यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं, तो आप जरूर उसको अचीव करिए। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ईमेल वाला फील्ड आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, टेक्स्ट एरिया आ रहा है, लेकिन जो है नेम वाला फील्ड नहीं आ रहा है। नेम वाला फील्ड क्यों नहीं आया भाई, हम एक बार आई को भी प्रिंट करेंगे यहाँ पर कि आई की वैल्यू क्या है, तो कंसोल और डॉलग में आई को हम जरूर प्रिंट करेंगे इस तरीके से। मैंने रिलोड किया, एडिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, वन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई माइनस वन कर सकते हैं ऐसे, आई माइनस वन, ठीक है ना। अब ये सारी इनपुट फील्ड के अंदर डेटा डाल देंगे, मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। नोटिस करिए सर उसमें नहीं किया, ऑल इनपुट सब आया। अच्छा यहाँ पर माइनस वन करना था हमें, है ना, ऑल इनपुट माइनस वन, क्योंकि वन से लूप स्टार्ट हो रहा है और जो इंडेक्सिंग नंबर मिलेगा हमें वो, यानी कि हमें जीरो अगर एक्सेस करना है इनपुट फील्ड का तो हमें यहाँ पर माइनस वन लगाना होगा, क्योंकि आई का जो वैल्यू है वो वन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करूंगा, नोटिस करिए नेम में नेम चला गया, ईमेल में ईमेल चला गया, पासवर्ड में पासवर्ड चला गया और फादर नेम में फादर नेम चला गया, सॉरी, इस तरीके से। तो ये आसान सा तरीका था। अगर आपका ये डेटा, आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि सीरियल नंबर से ये है, नोटिस करिए नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और फादर नेम है, तो नेम यहाँ पर भी है ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सीरियल नंबर, तो इसके लिए लूप चलाया जा सकता है। अब सपोज करो एड्रेस बीच में होता है यहाँ पर, और ये एड्रेस यहाँ पर, ये टेक्स्ट एरिया, ये दूसरा फील्ड है, ये इनपुट फील्ड नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर कभी भी जब आप काम करें तो फॉर्म के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप फॉर्म के अंदर इनपुट ले रहे हो उसी तरीके से आपको टेबल के अंदर शो करना चाहिए डेटा। जैसे कि पहले हमने नेम, तो सीरियल नंबर तो पहले रहेगा ही, उसको अवॉइड करना है। ये नेम है ना पहले, तो पहले नेम रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद ईमेल है तो ईमेल रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी स्किल डेवलप रहेगी तो लूप वगैरह चला के आप आसानी से डेटा को प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है
तो आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इस चीज को, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं इसको कमेंट करूंगा, इसी तरीके का मैं यूज करने वाला हूँ। तो आपको ऑल इनपुट को ऐसे डिफाइन करना है सबसे पहले, और यहाँ पर आपको जीरो देना है एक तरीके से, डॉट वैल्यू इसे रीड करना है, और ऑल टीडी का यानी कि जो ऑल टीडी है इसका वन इंडेक्स डॉट इन एचटीएमएल इस तरीके डिफाइन कर देंगे। तो मैं एक ही के लिए या दो के लिए करके दिखा देता हूँ आपको, तीन के लिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर वन कर देंगे और यहाँ पर टू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने टू कर दिया और यहाँ पर मैंने थ्री कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने वन से क्यों स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमने जीरो से क्यों स्टार्ट किया है, तो इनपुट फील्ड ये वाला जीरो होगा क्योंकि हमने क्वेरी सिलेक्टर से सेलेक्ट कर रखा है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज कर रखा है ना, ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। और यहाँ पर भी यानी कि अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे हमने ऑल टीडी का वन इंडेक्स रीड किया, तो वन इंडेक्स ये है आपका, हमें ये नहीं चाहिए इसलिए हमने वन लिख रखा है। अभी हम रिलोड करेंगे, नोटिस करिए मैंने एडिट पे क्लिक किया तो अभी भी वैसे ही डेटा जा रहा था जैसे थोड़ी देर पहले लूप चला के हम डाल रहे थे। तो अगर आपको लूप से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी आप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आप सपोज करो अभी तो तीन चार फील्ड है तो आप आसानी से ये चीज कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में और भी ज्यादा फील्ड हो, फील्ड की संख्या 10, 12, 15 हो, तो फिर आपको तो ये बस तीन लाइन का कोड लिखना है। तो मेरे ख्याल से ये आसान है ना, हमें ज्यादा लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब चाहे 15 लाइन का इनपुट फील्ड हो, यानी कि 15 लाइन का 15 इनपुट फील्ड हो या 10 इनपुट फील्ड हो, बस इसी तीन लाइन के कोड में सबको एक्सेस कर लेना है आपको। अभी आपका टेक्स्ट एरिया बचा हुआ है, देखिए मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा तो इसके अंदर चला गया फॉर्म के अंदर, लेकिन ये एड्रेस बचा हुआ है इसमें नहीं गया, तो इसको लूप से बाहर निकलना है आपको। और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इसके नाम से आपके पास वेरिएबल है, डॉट वैल्यू इसका भी रीड करना है, और यहाँ पर आपको ऑल टीडी का लास्ट इंडेक्स रीड करना है। तो ऐसे देखिए लास्ट इंडेक्स आपका ये वाला है ना, लास्ट वाला टीडी ये है जिसमें दोनों बटन है, तो इसको अवॉइड करके हमें इसको एक्सेस करना है। तो उस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल टीडी डॉट लेंथ माइनस टू, लेंथ माइनस वन, सॉरी ऑल टीडी डॉट लेंथ माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं हम। मैं रिलोड करके एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर इनर एचटीएमएल भी एक्सेस करेंगे, तो डॉट इनर एचटीएमएल, तो जब आप इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट लगाएंगे, इनर टेक्स्ट ही लगाइएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने इनर टेक्स्ट कर दिया, तो जब आप इनर टेक्स्ट लगाएंगे तो ये टेक्स्ट निकलेगा और यहाँ पर चला जाएगा। मैंने रिलोड किया, एडिट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला ये एक्सेस होगा मेरे ख्याल से, माइनस टू कर देंगे, ठीक है माइनस टू कर दीजिए इस तरीके से। मैंने रिलोड किया, एडिट पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए एड्रेस भी इसमें चला गया, ठीक है। तो पहला तरीका था, अगर आपके पास ज़्यादा टीडी और आपको लास्ट वाला कोई एक्सेस करना है तो ऐसे एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास टीडी की संख्या कम है तो यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, तो यहाँ पर हम फाइव लिख सकते हैं इस तरीके से। तो पाँचवें टीडी का जो डेटा होगा वो यानी कि जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए एडिट पर क्लिक करूँगा, तो ये अभी भी वैसे ही काम हुआ। तो काम करने का एक तरीका नहीं होता है, काम करने का मल्टीपल तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपकी लॉजिक या आपकी स्किल कितनी डेवलप है। अगर आपकी स्किल डेवलप होगी तो आप, हो सकता है कि मैं चार लाइन का कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ इस चीज को करने के लिए, हो सकता है आप इससे भी आसान तरीका कोई ढूंढ लें, क्योंकि कोड लिखने का कोई एक तरीका नहीं होता है, बस आपकी स्किल इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पर एडिट पे क्लिक करते ही ये जो डेटा है वो यहाँ पर डाल दिया है। अब जब ये चेंजेस होगा तो सॉरी हमें बटन भी चेंज करना है, ये देखिए रजिस्टर लिखा हुआ ना, तो अगर हम रजिस्टर पे अभी क्लिक कर दें तो एक नया डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए इंसर्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने इस पर क्लिक किया है और यहाँ पर ये आया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से अलोक, नोटिस करिए मैंने अलोक लिखा और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो अलोक वाला डेटा रजिस्टर हो जाएगा, जबकि हमने इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर भेजा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही लाइन अपडेट होना चाहिए। तो उस केस में हमें यहाँ पर एक और बटन, क्योंकि ये रजिस्टर के लिए बटन है, एक और बटन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएंगे हम, ये बटन है इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अपडेट, ठीक है। और ये जो हमारा बीटीएन सक्सेस है इसको हम डेंजर कर देते हैं इस तरीके से, परफेक्ट, यानी कि कलर चेंज मैंने कर दिया। रिलोड करेंगे तो इसके नीचे एक और बटन दिख जाएगा, पहले से यहाँ पर हम रजिस्टर का बटन दिखा के रखेंगे, अपडेट वाला हाइड करके रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने डी हाइफन नन कर दिया। तो डी हाइफन नन लिखने का मतलब यह हो गया कि आपका अपडेट वाला बटन नहीं दिखेगा,
अभी हमें इस बटन को सिलेक्ट करना है, तो बटन सिलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म के अंदर से बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म है यानी कि ये जो फॉर्म है इसके अंदर बस अपडेट का और ये दोनों बटन है, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए ऊपर जाएंगे, ये फॉर्म है हमारा, इसी के अंदर से सिलेक्ट करने के, तो यहाँ पर आप लेट ऑल बीटीएन इसके नाम से वेरिएबल बना सकते हो, और आरएजी फॉर्म इसके अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को यूज करेंगे हम, और बटन लिख देंगे यहाँ पर। तो हम कंसोल करके देख लेते हैं, दोनों बटन सिलेक्ट होके आ जाना चाहिए। तो मैंने ऑल बीटीएन लिख दिया, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लूंगा मैं, कंसोल में जाऊंगा। नोटिस करिए नोड लिस्ट आ गया ना, ये देखिए ये आपका रजिस्टर वाला बटन है और ये आपका अपडेट वाला बटन है। तो ये हम जीरो से एक्सेस कर पाएंगे रजिस्टर वाले को, और वन से हम इसको अपडेट वाले को एक्सेस कर पाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बड़ा ही आसान है, जहां पर एडिट कर रहे हैं वहीं पर जाना होगा, क्योंकि जब हमें यानी कि जब हम एडिट पर क्लिक कर दें तभी ये चेंजेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें काम करना है, फिलहाल हमें क्या करना है, ऑल बीटीएन का जीरो इंडेक्स रीड करना है, और डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड इसमें हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई, डी हाइफन नन, तो सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर ऐसे ऐड कर सकते हैं, और जो वन वाला होगा उसके अंदर से हमें रिमूव करना है। कौन सा क्लास रिमूव करना है, डी हाइफन नन, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे जो दिख रहा है अभी, और जो नहीं दिख रहा है उसमें से रिमूव कर देंगे। तो इसी के वजह से नहीं दिख रहा है, तो जब हम इस क्लास को रिमूव कर देंगे तो वो दिख जाएगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, यानी कि इस एडिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए है ना, अपडेट का दिखा, रजिस्टर चला गया। अब जब हम अपडेट कर देंगे तो फिर से यहाँ पर रजिस्टर वाला दिखा देंगे, समझिएगा इस चीज को जरा क्या हो रहा है। देखिए अभी मैंने रिलोड कर दिया इस तरीके से, और मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया यहाँ पर अपडेट का बटन आ गया। तो ये चीज आपको क्लियर है, अब हमें ये डेटा चाहिए और अपडेट पे क्लिक करते ही डेटा को अपडेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे ऑल बीटीएन वन इंडेक्स डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, यानी कि जब इस पे क्लिक करें तभी अपडेट होना चाहिए, तो ऐसे डिफाइन करेंगे। और एक बार हम अलर्ट करके देख लेते हैं, और अलर्ट में मैं इंडेक्स को पास कर देता हूं, ठीक है। नोटिस करिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया और यहां से मैंने क्लिक किया, इस पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट में 3 आया, ठीक है, यानी कि इंडेक्स मैंने पास किया था और यहां पर डेटा रजिस्टर हो गया इस पे क्लिक करने के बाद भी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फॉर्म में ऑन सबमिट लगा हुआ है, ठीक है ना, और फॉर्म में ऑन सबमिट अगर लगा हुआ है तो आपको इसका टाइप चेंज करना होगा। तो टाइप इसमें हम बटन कर देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा कभी भी काम करते समय, ठीक है। अगर आप ऑन सबमिट फंक्शन का यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट अगर टाइप नहीं लगाए हो, टाइप अगर आपने नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप हो जाएगा वो सबमिट हो जाएगा, है ना, बाय डिफॉल्ट। तो हमें इसको चेंज कर देना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका हमें बिहेवियर चेंज करना है, ठीक है। तो हमने अगर बटन कर दिया तो अब जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, यानी कि नोटिस करें मैंने इस पे क्लिक किया, अभी जब मैं थोड़ी देर पहले क्लिक किया था तो वो एज अ सबमिट काम कर रहा था और डेटा रजिस्टर हो जा रहा था, लेकिन अब ये एज अ अपडेट काम करेगा, ये देखिए अब डेटा रजिस्टर नहीं होगा, ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है और डेटा को अपडेट करना है। तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने का, हम एक लूप चला सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए, ऐसे यूजर के नाम से आप, या रहने दीजिए हम आसान तरीका ही यूज कर लेते हैं, लेट यूजर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए आप लोग को समझ में ना आए हो सकता है। तो मैंने नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया और इसमें नेम रीड करना है हमें, तो नेम कैसे मिलेगा हमें भाई, ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू ऐसे रीड कर लेगा, जीरो इंडेक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। तो आपको यानी कि नेम मिल जाएगा, उसके बाद कॉमा से सेपरेट कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं यूजर के नाम से, या आप ऐसे निफान कर लीजिए अपडेटेड डेटा के नाम से, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, परफेक्ट। नेम हो गया, उसके बाद ईमेल कर दीजिए और यहाँ पर हम वन इंडेक्स को रीड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर वन इंडेक्स कर देंगे। ईमेल के बाद हम पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पर हम टू इंडेक्स कर देंगे, उसके बाद हम फादर नेम कर देंगे। तो जो आपने रजिस्टर करते समय प्रॉपर्टी बनाया था उसी नाम से आपको बनाना है, थ्री डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू, तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डॉट वैल्यू। एक बार हम इसको कंसोल जरूर करेंगे, देखिए नोटिस करिए मैंने कंसोल डॉट लॉग में अपडेटेड डेटा को ऐसे डिफाइन कर दिया,
टर्मिनेट करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल में जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर अहद लिखा हुआ है पहले से। अगर मैं यहाँ पर अहद अंसारी लिख दूँ इस तरीके से और अपडेट पे क्लिक करूँ तो जो अपडेट किया है आपने वो डेटा मिल रहा है। ये देखिए नेम में क्या आ गया, अहद अंसारी। अभी मैंने इसको क्लियर किया और नोटिस करिए यहाँ पर फादर नेम लिखा हुआ है, तो मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अपडेट पे क्लिक, तो नोटिस करिए फादर नेम भी हमें एक्स वाई जेड अपडेट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस में इसे एलकेओ लिख दूँ, अपडेट पे क्लिक करूँ, तो सारा डेटा यानी कि अपडेट हो रहा है, देखिए, है ना। तो अब ये अपडेटेड डेटा हमें मिला। अब ये जो अपडेटेड डेटा है इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले उस एरे के अंदर अपडेट करना है जहाँ पर ये डेटा करंटली एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अभी हमने अगर यहाँ पर क्लिक किया तो एरे के अंदर इसी डेटा को हमें अपडेट कर देना है, ठीक है। तो बहुत आसान है अपडेट करना, आपके पास यूजर डेटा है, ऐसे अपडेट कर सकते हैं आप, यानी कि ऑल यूजर डेटा जो एरे है हमारे पास ऊपर की तरफ उसको एक्सेस करेंगे और इसके अंदर हम इंडेक्सिंग नंबर देंगे। तो इंडेक्स में आप यहाँ पर आई से पास कर दीजिए, सॉरी इंडेक्स आपका ऊपर की तरफ है, बस यहाँ पर पास कर दीजिए, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है अपडेटेड डेटा वाला इसको ऐसे डिफाइन कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। अब ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद हम फंक्शन कॉल कर देंगे सो यूजर डेटा वाला, ये फंक्शन कॉल कर लेना आपको, तो लाइव आपको अपडेट होता हुआ दिख जाएगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए ये जो अलोक लिखा हुआ है इसको मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एडिट पर क्लिक किया, यहाँ पर अलोक लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर अमित कुमार कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, अमित कुमार। और यहाँ पर मैं अमित @gmail.com कर देता हूँ, फादर नेम में मैं एक्स वाई जेड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LKO, ठीक है, यानी कि लखनऊ। ये वाले डेटा पे मैंने क्लिक किया था, उन्होंने नोटिस करिए जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा लाइव अपडेट हो जाएगा। ये देखिए अमित कुमार लाइव अपडेट हुआ, और उसी जगह पे अपडेट हुआ जहाँ पर हम अपडेट करना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपका अपडेट हो चुका है, लेकिन एक इशू है इसके अंदर, अगर हम इस पेज को रिलोड करें, मैंने रिलोड किया, ये देखिए फिर से अलोक कुमार हो गया, यानी कि फिर से अलोक हो गया। तो हमने सिर्फ एरे अपडेट किया, हमने लोकल स्टोरेज को अपडेट नहीं किया है। नोटिस करिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन में जाएंगे और ये हमारा यूजर डेटा है, और ये देखिए अहद जहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि पहला डेटा, ये देखिए ना अहद लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुमन। ये देखिए मैंने सुमन लिखा और यहाँ पर मैं suman@gmail.com कर देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। नोटिस करिए यहाँ पर, तो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको चेंजेस दिख जाएगा, लेकिन लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा है उसमें चेंजेस नहीं दिखेगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर अपडेट हो गया, लेकिन लोकल स्टोरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें लोकल स्टोरेज में भी अपडेट करना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लोकल स्टोरेज को एक्सेस कर लेना है, .setItem इस फंक्शन को कॉल करना है, और आपको ऑल यूजर डेटा के नाम से की है इसको एक्सेस करना है। तो पहले से जो की बना हुआ है उसी नाम से की बनाई जाएगा, देखिए इसी नाम से की है ना, तो ऑल यूजर डेटा मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे, जो डेटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसमें हम ऑल यूजर डेटा को ही डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो एरे है हमारा वो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा, परफेक्ट। अब ये लोकल स्टोरेज के अंदर भी अपडेट हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पर अहद है और यहाँ पर भी अहद है। मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ सुमन, और यहाँ पर मैं suman@gmail.com कर देता हूँ। तो नोटिस करिएगा यहाँ पर अहद और ईमेल में जस्ट था, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, ये देखिए है ना, तो नेम के जगह पे क्या आ गया सुमन, और ईमेल के जगह क्या आ गया suman@gmail.com, और यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है ये चीज़। अब आप कितना भी रिलोड करिए ये कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये आपने अपडेट कर लिया सक्सेसफुली, डेटा हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काम करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, है ना, मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं, तो आपको देखिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा, एक बार में या एक दिन में, दो दिन में, एक महीने में नहीं समझ में आएगा, काम करते जाइए, एटलीस्ट देख देख के करो। ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, जब मैं शुरुआत में कोडिंग स्टार्ट किया था तो यही था, सबके साथ यही रहता है, आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आएगा शुरुआत में, ऐसा लगेगा कि बस हम पढ़ रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूलते, तो कुछ याद नहीं करना है। आप जितना टाइम दे सकते हो, जितना टाइम आप दे सकते हो कोडिंग को,
यकीन नहीं मानोगे, मैं 10-10, 12-12 घंटे एक एक दिन में कोडिंग करता हूँ। ठीक है, जितना टाइम दे सकते हो, जितना टाइम आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको दीजिए आप कोडिंग में। ठीक है, तब आप सीख जाएंगे। और जब आप सीख जाएंगे ना, तो कोडिंग एक ऐसी फील्ड है, इसके अंदर बहुत पैसा है। अगर आपके पास नॉलेज हो जाए कोडिंग की तो बहुत है, जॉब वगैरह में भी काफी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है ना, इस फील्ड में, खासकर इस फील्ड में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड है, इसमें काफी पैसा है। तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना होगा, ये कोई 1-2 महीने 4 महीने का खेल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करिए, 1-1.5 साल देंगे। जब आप 1-1.5 साल देंगे ना, तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ अब हमें काम करना है। जी बताइए क्या पूछ रहे हो, बोल रहे थे करना पड़ता है तो क्या? तो वीडियो देखकर कर लेते हैं, वैसे करते हैं तो नहीं। प्रैक्टिस करिए, सोर्स कोड वगैरह पे मत जाइए कि सोर्स कोड इनसे, सोर्स कोड उनसे, कोड सोर्स कोड के चक्कर में तो रहा ही मत करो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आएंगे, बस थोड़ा सा देखें, सोर्स कोड दे दीजिए। अरे सोर्स कोड से क्या होगा भाई, सोर्स कोड वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। कहीं से भी, किसी से भी पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कि हमारे चैनल से आप पढ़ो, जितने चैनल हैं यूट्यूब पे सर्च करिए, जो आपको जहाँ से बेस्ट नॉलेज मिले, जिनकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, जो आपको अच्छे से समझा पाए। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं ही आपको समझा पाऊंगा, कोई भी, देखिए सबका माइंड सेट अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज को सब अलग अलग समझ सकते हैं। सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। नॉलेज लेना बंद मत करिए, कहीं से भी नॉलेज लेते रहिए। ठीक है, सीखते रहिए, कहने का सिंपल सा मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और काम बचा हुआ, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। एडिट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं एड्रेस में अपडेट कर देता हूँ, LKO इस तरीके से, और यहाँ पर अनूप लिखा हुआ तो मैं अनूप कुमार कर देता हूँ, और अपडेट पे क्लिक करूँगा। लाइव अपडेट हो गया डेटा। ठीक है, और ये अपडेट का बटन चेंज होना चाहिए रजिस्टर में दोबारा, और ये फॉर्म भी रीसेट होना चाहिए। तो बहुत आसान है ये चीज़ करना, ऊपर की तरफ अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, तो यही 2 लाइन का कोड है, कॉपी कर लेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम ये चीज़ चला देंगे। ठीक है, यहाँ पर बस आपको रिमूव कर देना है और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ठीक है ना, इस तरीके से, परफेक्ट, ये हो गया। उसके साथ फॉर्म के अंदर से, यानी कि जो फॉर्म है आपका, तो REG फॉर्म है, इसको सिलेक्ट करिएगा, रीसेट के नाम से एक फंक्शन कॉल करिएगा इसके लिए, और इसमें बस ये डिफाइन करिएगा, यानी कि सॉरी, रीसेट के नाम से फंक्शन है, इसको कॉल करिएगा, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन करिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म रीसेट हो जाएगा। देख लेते हैं, मैंने रिलोड कर लिया, एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं कुछ अपडेट करता हूँ, फादर नेम में मैंने XYZ लिख दिया, और यहाँ पर क्लिक करूँगा। नोटिस करिए, फॉर्म भी रीसेट हुआ और ये रजिस्टर बटन भी आ गया। ठीक है, और हमने XYZ अपडेट किया था, वो यहाँ पर आ गया, परफेक्ट। एक बार नया डेटा रजिस्टर करके देख लेते हैं, तो मैंने ऐसे कुछ भी लिखा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा पासवर्ड, फादर नेम में हम कुछ भी डाल सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, डेटा रजिस्टर सक्सेसफुली लिख के आ गया, और यहाँ पर भी नोटिस करिए, डेटा आ चुका है। ठीक है, अगर हम डिलीट करें, अच्छा एक और चीज़, रजिस्टर करते समय फॉर्म रीसेट नहीं हुआ, तो रजिस्टर करने के बाद हम फॉर्म को रीसेट करेंगे, तो बड़ा आसान तरीका है फॉर्म रीसेट करने का, अभी आपने देखा अपडेट करते समय, यही है बस। यहाँ पर आप जो है REG फॉर्म को सिलेक्ट करो और रीसेट के नाम से फंक्शन, इसको कॉल कर लीजिए, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म जो है रीसेट हो जाएगा। याद रहे, ये फॉर्म के लिए ही काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के लिए काम करेगा। ठीक है ना, इनपुट फील्ड वगैरह के लिए रीसेट फंक्शन मत लगाइएगा, फॉर्म के लिए ही लगाइएगा इसको। ठीक है, परफेक्ट। अब एक बार हम रजिस्टर करके देख लेते हैं कि फॉर्म हमारा, यानी कि जो डेटा है वो रजिस्टर होने के बाद फॉर्म हमारा खाली होता है कि नहीं। मैंने डिफाइन किया इस तरीके से सब कुछ, और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। नोटिस करिए, डेटा रजिस्टर हुआ और फॉर्म भी हमारा रीसेट हो गया। डिलीट करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, ये देखिए बिल्कुल सब कुछ
कहीं से काम कर रहा है जी। कुछ पूछना है किसी को? अगर हम यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके यानी कि डिलीट पर क्लिक करके कैंसिल कर दें तो डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। दो तीन चीजें और हैं इसके अंदर, वो आपको टास्क के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है। टास्क है वो आपके लिए, यहाँ पर सर्च करने पे ये डेटा फिल्टर होना चाहिए, है ना, ये फिल्टर होना चाहिए डेटा सर्च करने पे। और यहाँ पर कुछ भी लिखें, जैसे हम नेम अगर लिख रहे हैं तो नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर होना चाहिए, अगर हम ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल के अकॉर्डिंग फिल्टर होना चाहिए डेटा, अगर हम पासवर्ड यहाँ पर डाल रहे हैं तो पासवर्ड के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम फादर नेम लिख रहे हैं या एड्रेस लिख रहे हैं, यानी कि इनमें से हम कुछ भी यहाँ पर लिखें तो उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर होना चाहिए, है ना। फिल्टर समझ रहे हैं, जैसे कि मोबाइल वगैरह में आपका कॉन्टेक्ट होता है ना, तो हमारे नीचे कुछ कॉन्टेक्ट पड़े होते हैं, जैसे जेड से जो कॉन्टेक्ट नेम स्टोर हैं, तो उनको हम सर्च करते हैं ना ऊपर की तरफ। सपोज कोई किसी का नाम जुबैर है और उसका नाम नीचे, तो जुबैर लिखते हैं फिर वो ऊपर आ जाता है, फिल्टर हो जाता है डेटा। तो वही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। और एक और चीज, डुप्लीकेट ईमेल इसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ये भी आपके लिए टास्क है, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, एक हिंट आपको यहाँ से मिल जाएगा कैसे करना है। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और ये जो प्लेलिस्ट होगा ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें जाइएगा। इस प्लेलिस्ट में जाना है आपको, ये चल जाए फिर बता, अच्छा यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, मैंने बता रखा है। ये देखिए इसी में से पार्ट है कोई, शायद ये लास्ट वाला पार्ट होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, इसमें सर्च करना बताया गया है। और ऊपर की तरफ एक दो पार्ट में आपको ईमेल कैसे फिल्टर करके डालना है इंसर्ट करते समय, वो भी बताया गया है, तो इसमें से आप देख सकते हो वीडियो को। और भी बहुत सारी जगह पे मैंने बताया है, तो यहाँ से आप हिंट ले सकते हो और उसको जरूर कंप्लीट करिए जो भी हमने आपको दिखाया है, इसको भी बना लीजिए पूरा आप लोग। इसमें पेजिनेशन वगैरह बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया गया है, काफी यूनिक चीज है और काफी अमेजिंग चीज है आपके लिए और काफी बेनिफिशियल भी है आपके लिए, तो इसको जरूर कम्प्लीट करिए आप लोग। समझ रहे हैं आप लोग जी, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है अभी। जी आप लोगों को कुछ पूछना है? जी लक्ष्मण जी बताइए भाई, क्या दिक्कत आ रही है? उसके बाद में जब ऐसे करते हैं जिन्हें वीडियो को नहीं आते, पहले वीडियो से देख के करिए, ठीक है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक नहीं, ये समझ लो जब तक नहीं आ रहा है जब तक आपको करना है, ठीक है, वो कोई इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है कि एक बार करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है, जब तक नहीं आ रहा है आपको अपने आप से करना तब तक उस काम को करना है। कब तक नहीं आएगा ये सोच के करो, ये सोचो कि कब तक नहीं आएगा, यही बड़ा हो जाएगा क्या? तो आप ह्यूमन हो और ह्यूमन से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। हार नहीं मानना है, करते रहो, कब तक नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, दस बार नहीं आएगा, ठीक है। तो एडिसन ने 999 बार फेल हो करके बल्ब का जो है आविष्कार किया था, 999 बार फेल हुआ था वो, अगर वो पहली टाइम पे ही रुक जाता तो शायद बल्ब का आविष्कार नहीं होता, है ना, बल्ब एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, नाम सुना आप लोगों ने। तो 999 बार फेल हो करके उन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार किया था, समझ रहे हैं आप लोग। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप सीखने पे आ जाएंगे ना तो फिर वो भी आपको सिखाने में लग जाएगी, बस आपको ये सोच रखनी है कि कब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा जब तक पढ़ेंगे, ये सोच रख के काम करो, समझ रहे ना।
जी, और किसी को कुछ पूछना है? ओके सर। जी मेघा जी बताइए भाई, पहली बार आप क्लास में आए शायद, थोड़ा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, पटनायक जी बोल दे रहा हूँ आपको। जी बताइए, आप भी पहली बार आए शायद क्लास में। जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? बताइए, अगर आप लोग पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, अगर अभी आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप क्लास के बाद भी पूछ करिए, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसी ही आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बिल्कुल पूछिए। समझ रहे आप लोग? सर